हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय के 18वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, जहां भगवान हमें उन सुकृति व्यक्तियों के बारे में जो उनकी शरण लेते हैं उनके बारे में और आगे बताते हैं। कल हमने देखा, भगवान ने हमें बताया कि उन चारों प्रकार के सुकृतियों में ज्ञानी जो हैं, जो बिना किसी भौतिक इच्छा के भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसी माध्यम के जरिए इसी श्लोक में इसी विषय पर भगवान आज का श्लोक भी बताते हैं। 18वां श्लोक भगवान कहते हैं, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me, the highest and most perfect goal. तो भगवान कहते हैं, उदारः सर्व एवैते, ये सारे जो लोग हैं, जो सुकृति हैं, जो किसी भी प्रकार से क्यों न हो मेरे पास आ रहे हैं, ये सब बहुत महान हैं, दे आर ऑल वेरी स्पेशल। लेकिन उनमें से ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, अज्ञानी, एक ज्ञानी जो भगवान की महानता को समझता है, जानता है, जो भगवान की एक भक्ति सेवा करता है, भगवान कहते हैं आत्मैव मे मतम, ही इज एज गुड एज मी। क्यों ही इज एज गुड एज मी? आस्थितः स ही युक्त आत्मा, वो युक्त आत्मा, वो योग में परिपूर्ण है, इसीलिए आस्थितः, he is completely situated in yoga, which means he is completely situated in transcendental devotional service of the Lord. इसीलिए माम एव अनुत्तमाम गतिम, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा, और मुझे प्राप्त करना ये सारी योग पद्धतियों का मूल सार है, अंतिम ध्येय है। हम देखते हैं, जैसे कल भी हमने इस विषय पर चर्चा की, वी डिस्कस्ड दैट, यहाँ पर जो ज्ञानी करके संबोधित कर रहे हैं भगवान, ही इज अ ज्ञानी इन नेम सेक ओनली, वो ज्ञानी केवल नाम मात्र का है, लेकिन एक्चुअली वो भक्त है। सो अगर एक ज्ञानी जो ज्ञानी अर्थात जो भगवान को जानता है, भगवान के बारे में पहचानता है, भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है, बट ही हैज अ प्रिडोमिनेंस ऑफ भक्ति इन हिज अप्रोच टुवर्ड्स लॉर्ड, तो अगर एक ज्ञानी जो भक्त प्राय है, वो उसको अगर भगवान कहते हैं कि अरे ही इज वेरी वेरी डियर टू मी, ही इज एज गुड एज मी, सो व्हाट अबाउट दोज डिवोटीज हु हैव कंप्लीटली गिवन एवरीथिंग? वो ज्ञानी नहीं है, वो केवल भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके जीवन में ज्ञान का कोई अंश ही नहीं है। जैसे व्रजवासियों के लिए, द्वारकावासियों के लिए, द्वारकावासियों में तो फिर भी ज्ञान का थोड़ा सा भाग है, मथुरा वासियों में थोड़ा सा है और कम है, लेकिन व्रजवासियों में तो केवला भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। तो ऐसे भक्तियों भक्तों के लिए क्या? हम देखते हैं भगवान हमें बहुत सुंदर रूप से बताते हैं श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 11.14.15, न तथा मे प्रियतम आत्मयो निर्नशंकर न च शंकर शणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। भगवान उद्धव से कहते हैं कि न तथा मे प्रियतात्मा, उसके जैसा मुझे कोई और प्रिय नहीं है।
आत्मयोनिर् न शंकरः, मैं स्वयं को भी इतना प्रेम नहीं करता, मैं शंकर को इतना प्रेम नहीं करता, न च संकर्षणों में भगवान संकर्षण से इतना प्रेम नहीं करता, न शरीर, मुझे लक्ष्मी देवी भी इतनी प्रिय नहीं है जितना यथा भवान, भवान अर्थात आप, भगवान उद्धव को आप कहते कह के संबोधित कर रहे हैं। न एव आत्मा च यथा भवान न तथा मे प्रियतात्मा, आप जितने मुझे प्रिय हैं मुझे और कोई प्रिय नहीं है, मैं स्वयं शंकरषण से भी इतना प्रेम नहीं करता, लक्ष्मी से भी प्रेम नहीं करता, भगवान शिव से भी नहीं, स्वयं से भी नहीं, जितना मैं आपसे प्रेम करता हूं उद्धव, क्योंकि आपने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया है। उसी प्रकार हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में 9.4.64 नवम स्कंद के चौथे अध्याय के 64वें श्लोक में, नाहम आत्मानम आशासे मद्भक्तैः साधु विरविना, भगवान कहते हैं न अहम आत्मानम आशासे, आशा से अर्थात आई डू नॉट वॉन्ट टू एंजॉय माई सेल्फ, मैं अपने स्वयं का, मैं अपने में भी रममाण नहीं करना चाहता, मैं अपने स्वयं के ऐश्वर्यों का भी भोग नहीं करना चाहता, मद भक्तैर साधुविर बिना, अगर साधुगण जो पूरी तरह से मेरे भक्त हैं वो अगर मेरे पास नहीं है, उनका वियोग सह करके अगर मुझे कहा जाए कि आप अपने भगवत तत्व को समझिए, आप भगवान बने रहिए, नो आई विल गिव अप माई गॉडहुड बट आई विल नॉट गिव अप द कंपनी ऑफ माई डिवोटीज। This is how much Krishna loves his devotees. And we see, इसीलिए हम देखते हैं अब भगवत गीता में रस आ रहा है। Krishna is giving rasa, the most important nectar is being given to Arjuna. And that's why this is like the best part of the Bhagavad Gita, the middle six chapters. So be with us. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.